सिर्फ इस ऐसे स्मूदिंग क्लेंजर यूज़ करके मैं ना फेस वॉश कर चुकी हूँ। अब यूज़ करने लगी हूँ मैं ये इंडियन क्ले, तो ये एक्नी के लिए बहुत अच्छे साथ थिक थिक यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है थिक पेस्ट। इसको मैं बनाती हूँ एप्पल साइडर विनेगर में, मैं ये एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करती हूँ इसमें। अच्छा, मैंने फुल फेस पे मास्क अप्लाई कर लिया, जस्ट ये जगह छोड़ दिया क्योंकि मैं पिंपल्स वाला जो ब्रश है ना फिर इधर लगा के फुल फेस पे लगाना नहीं चाह रही थी, ताकि जर्म्स जो है यहाँ वहाँ ना फैल जाए। अच्छा, मैं इसके ड्राई होने का वेट कर रही हूँ, फुली ड्राई नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी स्किन से ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता हो। ओके, फेस वॉश कर लिया है, थोड़ी सी रेडनेस हो गई है पर इट्स ओके। हल्का हल्का सा ड्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं मुझे अप्लाई करना है नियासिनामाइड और हाइलोनिक एसिड, तो थोड़ी सी स्किन वेट होनी चाहिए उसके लिए। यूज़ कर रही हूँ स्किन डिप का जो है वो नियासिनामाइड ड्यू ड्रॉप्स। एक तो उसमें हाइलोनिक एसिड है जो फेस को हाइड्रेशन देगा क्योंकि इसके बाद स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, और है नियासिनामाइड। अच्छा, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्डिनरी का सैलिसिलिक एसिड, इसको मैंने छोड़ दिया था। अब अगेन से एक्ने का इशू हो गया है तो मैं दोबारा से इसको अपनी स्किन केयर में ऐड किया है। अच्छा, मैं यूज़ कर रही हूँ सेरावे का ये डेली मॉइस्चराइज़र, ये थिक जो है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, बिकॉज मैंने जो इंडियन क्ले मास्क यूज़ किया है ना उससे जो है एक तो ड्राइनेस हो जाए, इसलिए थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ ताकि स्किन जो है अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। मैं 15 मिनट के लिए जो है ब्लू लाइट लेने लगी हूँ बिकॉज ऑफ एक्नी। ओके, स्किन केयर डन। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह।